सैम पिटूडा जी, परनीत कौर जी, हिमांशु व्यास जी, कमल ढालीवाल जी, मधु याक्षी जी, वीरेंद्र वशिष्ठ जी, बिल्ला गिल जी, कलबी जी, फकीर चंद सहोटा जी, दलजीत सहोटा जी, भाइयों और बहनों, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के लीडर्स, कार्यकर्ता कीतवाज जी और बाकी जो लोग यहाँ आए हैं, आप सबका यहाँ दिल से बहुत बहुत स्वागत। मैं दिल्ली से जर्मनी गया और फिर जर्मनी से लंदन आया और हमारी जो फ्लाइट थी उसे 10 बजे पहुंचना था स्टैनस्टेड एयरपोर्ट में, लंदन से काफी दूर। डिले हुआ, पहले बताया 15 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर एक घंटा, फिर दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा, अंत में हम 4:30 बजे स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पहुंचे। 4:30 बजे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की भीड़, वहां पे ढोल बजा, लोग नाचे और बाकी जो वहां लोग थे, मैं देख रहा था उनको, जो रेगुलर ट्रेवलर्स थे, उनको बात समझ ही नहीं आ रही थी ये हो क्या रहा है, ये एयरपोर्ट के बीच में ये ढोल कौन बजा रहा है, ये क्या हो रहा है। तो मैं यहां से कहना चाहता हूं कि कमल और उनकी टीम ने कमाल का काम किया है और आप सब ने मिलकर मुझे इतना प्यार दिया है, मैं इसको कभी भूलने वाला नहीं हूं। आप सब लोग यहां हम स्टेज पे एक साथ क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो सोच है एक है। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस क्रोध और नफरत को मिटाने की शक्ति है। कांग्रेस अपने दुश्मन की ओर, अपने ओपोनेंट की ओर देखकर उसे गला लगा सकती है। कांग्रेस हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करती है। आप सब यहां आए, बड़े सक्सेसफुल लोग हो आप। शुरुआत आपने सब ने घर छोड़कर आप यहां आए और जो भी यहां आपने बनाया, आपकी किसी ने मदद नहीं की, आपने अपने हाथों से बनाया, आपने सैक्रिफाइस किया, आपने अपना घर छोड़ा, कोई पंजाब से आया, कोई तेलंगाना से आया और यहां आकर आपने हमारे देश का नाम रोशन किया है, आपको बताया नहीं जाता है और शायद आपको ये बात गहराई से समझ भी ना आए कि आपने इस देश के लिए क्या किया है। सिंपल सा शब्द दिया जाता है आपको, NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, मगर ये एक बहुत गहरा शब्द है। हमारी जो पार्टी है ये NRIs ने शुरू की थी। महात्मा गांधी जी NRI थे, जवाहरलाल नेहरू जी NRI थे, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, सबके सब NRI थे, सबके सब बाहर गए
दुनिया को देखा, नए तरीके से सोचा और फिर उन्होंने अपनी देश की मदद की और उन्हीं के फुटस्टेप्स में आप चल रहे हो। 1940 आपने कहा कि कांग्रेस ने क्या किया, आप 1947 से लेकर यूके के एकेडमिक्स की, अमेरिका की एकेडमिक्स की कोई भी किताब पढ़ लीजिए, सब के सब कहते थे कि हिंदुस्तान गरीबों का देश है, हिंदुस्तान को डेमोक्रेसी नहीं समझ आती, हिंदुस्तान टूट जाएगा, हिंदुस्तान नहीं चल सकता, हिंदुस्तान नहीं डेवलप कर सकता है। और आज वही लोग दिन भर कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान दुनिया का फ्यूचर दिखाने का देश है। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, किसने किया? कांग्रेस ने किया? नहीं, कांग्रेस ने मदद की मगर किया हिंदुस्तान की जनता ने। कांग्रेस ने, देखिए समझ होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ये कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया मगर ये किया तो आपके माता पिता ने किया, आपके दादा दादी ने किया, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने किया। कैसे किया? पंजाब के खेतों में काम करके, हरियाणा के खेतों में काम करके, तेलंगाना के खेतों में काम करके। और जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे आने से पहले इस देश में कुछ नहीं हुआ, तो कांग्रेस के बारे में नहीं बोल रहे, वो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को इंसल्ट कर रहे हैं, हर व्यक्ति के मां बाप को इंसल्ट कर रहे हैं, उनके दादा दादी को इंसल्ट कर रहे हैं, मगर मीडिया उनके साथ है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनके आने से पहले देश में कुछ नहीं हुआ था, ये इंडिपेंडेंस डे के भाषण पे मैं बैठा था, झंडे के सामने कहते हैं मेरे आने से पहले हिंदुस्तान सोता हुआ हाथी था, मैंने उस हाथी को जगाया। देखिए कितना घमंड है व्यक्ति में, कितना घमंड है व्यक्ति में कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री यह भी नहीं समझ सकता है कि अगर हिंदुस्तान में शक्ति है तो वो एक व्यक्ति की शक्ति नहीं है। अगर हिंदुस्तान ने खून पसीना दिया है तो हिंदुस्तान के किसानों ने, छोटे बिजनेसमैन ने, मिडिल साइज बिजनेसमैन ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, जजेस ने, सब ने मिलकर बनाया। तो हम आपसे ये नहीं कहेंगे, क्योंकि हम सच्चाई बोलते हैं, हम आपसे ये नहीं कह सकते हैं कि जो 70 साल में हुआ पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी ने किया, मगर हम प्राइड से कहेंगे कि छोटा सा हाथ कांग्रेस पार्टी का भी था। शक्ति शक्ति जनता की थी, शक्ति आपके माता पिता की थी, हिंदुस्तान के किसानों की थी, हमने शक्ति को जोड़ने का काम किया और ह्यूमिलिटी से, आदर से हमने शक्ति को जोड़ने का काम किया। आप यहां आए, यूके आए, अब आप सोचिए आप कब आए यहां, आप कब आए? 2004। मानिए अगर आप 2004 में हीथरो एयरपोर्ट पे आते और आपसे पूछा जाता, भैया एक बात बताओ कौन से देश से आए हो तुम, आप कहते मैं हिंदुस्तान से आया। फिर आपसे पूछते भैया धर्म क्या आपका, क्या धर्म है आपका?
हिंदू, फिर आपसे पूछते आप धर्म हिंदू है, फिर आपसे पूछते जात क्या आपकी, भूमिया, और फिर लंदन इमिग्रेशन में कहते देखिए अगर आप यूके के ओरिजिनल नहीं हो तो आपको यहां कुछ नहीं मिलेगा। आपको कैसा लगता? बहुत बुरा लगता। आप कुछ कर पाते? आप इस देश की मदद कर सकते? आप अपने देश की मदद कर सकते? और यही हिंदुस्तान में हुआ किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान में हमारे लोगों को कहा जाता है तुम गलत हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम दलित हो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ज्यादा बोलोगे पीटा जाएगा, दलित एट्रोसिटी एक्ट छीन के हम खत्म कर देंगे, स्कॉलरशिप खत्म कर देंगे। अच्छा ट्राइबल हो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, किसान हो तुम्हें भी नहीं मिलेगा, माइनॉरिटीज तुम्हें भी नहीं मिलेगा, गरीब हो तुम्हें भी नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? अनिल अंबानी को मिलेगा। अनिल अंबानी को मिलेगा 45,000 करोड़ रुपए, 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है आदमी पे। जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बना है, कॉन्ट्रैक्ट मिलने से एक सप्ताह पहले कंपनी बनाते हैं। एचएल कंपनी से पे ऑफ हो गई, मैंने खींच दिया इसको, ये दूसरे वाला दो आगे आगे। एचएल कंपनी 70 साल से हवाई जहाज बना रही है, मिग हवाई जहाज, जैगुआर हवाई जहाज, हॉक हवाई जहाज, सुखोई हवाई जहाज, जैगुआर कोई भी, एक के बाद एक 70 साल से लगे हुए। हिंदुस्तान के इंजीनियर्स हर धर्म के हर जात के एचएल में काम करते हैं, हाई टेक्नोलॉजी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का काम करते हैं। 526 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज था। मोदी जी जाते हैं फ्रांस, उनके साथ उनके डेलीगेशन में अनिल अंबानी जी जाते हैं। जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ हो जाता है, एचएल से छीन के अनिल अंबानी को मिल जाता है, और हिंदुस्तान का किसान देखता है, हिंदुस्तान का गरीब देखता है, कहता भैया ये क्या हो रहा है। 12.5 लाख करोड़ रुपया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का है, मगर जब हिंदुस्तान का किसान प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के कर्जा माफी की बात करता है, जब पंजाब का किसान तेलंगाना का कर्नाटक का, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं ये हमारी पॉलिसी नहीं है। नीरव मोदी जाते हैं 35,000 करोड़ रुपए की लेकर भाग जाते हैं, एक शब्द नहीं कहते प्रधानमंत्री जी। उत्तर प्रदेश में उनका एमएलए महिला का रेप करता है, जो बेटी बचाओ की बात करते थे, बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, एक शब्द नहीं कहते। मगर सबसे गलत काम जो हमारे देश के इंस्टीट्यूशन है, जिन इंस्टीट्यूशन ने हमारे देश को खड़ा किया है, हमारे देश की रक्षा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, आरबीआई, ये जो हमारे एक प्रकार से हमारे देश की दीवारें हैं, इनको तोड़ने का काम करते हैं। पहली बार 4 सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आते हैं, आमतौर से जनता जजेस के पास जस्टिस के लिए जाती है, हिंदुस्तान में पहली बार
देखने को मिला कि जजेस जनता के पास जा रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमारे को काम करने नहीं दिया जा रहा है। जज लोहिया का नाम लेते हैं। बीजेपी के प्रेसिडेंट मर्डर अक्यूज हैं। फिर से दोहराता हूं, बीजेपी के प्रेसिडेंट मर्डर अक्यूज हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उस केस के बारे में बोला, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। यह हमारी लड़ाई, और मैं उनसे पर्सनल नफरत नहीं करता हूं। आप मेरे भाषण सुनिए, गलत शब्द कभी प्रयोग नहीं करता, मगर अगर आपने पार्लियामेंट हाउस में राफेल की डिबेट सुनी होगी तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। देश के सामने दो तीन बड़ी कठिनाइयां हैं। सबसे बड़ी कठिनाई चाइना, जो हमारा कंपेटिटर है। ये आपने फोन पकड़ा हुआ, इसके पीछे मेड इन चाइना लिखा होगा। अगर आप अपनी शर्ट के पीछे देखेंगे मेड इन चाइना लिखा होगा, जूते के नीचे देखेंगे मेड इन चाइना लिखा, जहां देखो मेड इन चाइना। चाइना 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देता है। हिंदुस्तान उसी 24 घंटे में 450 युवाओं को रोजगार देता है। यह हमारे सामने सबसे बड़ा इशू है। दूसरा इशू, दिन भर हमारे किसान लगे रहते हैं, उनको मदद की जरूरत है। हमारे युवाओं को शिक्षा की जरूरत है, और बुजुर्गों को हॉस्पिटल्स की, हेल्थ केयर की, स्वास्थ्य की जरूरत। ये देश के सामने इश्यूज हैं, मगर इन इश्यूज के बारे में बात नहीं होती। मैं वो दिन देखना चाहता हूं, कहां से आया, पंजाब का कपूरथला, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब इस फोन के पीछे लिखा हो मेड इन कपूरथला। ऐसे जब चाइना का लड़का ऐसे सेल्फी ले और उसको घुमाए, उस पे पीछे देखे मेड इन कपूरथला, पूछे ये जगह कहां है भाई कपूरथला, मैं भी जाऊं देखूं। और ये किया जा सकता है, आपने ये यहां करके दिखाया। आपने बिजनेस खोले, लोगों को रोजगार दिया, आप कर सकते हो। और आपके जो रिलेटिव्स हैं हिंदुस्तान में, रिश्तेदार है, वो भी कर सकते हैं। मगर करने के लिए देश को एक करना पड़ेगा, देश को एक साथ लाना पड़ेगा, और देश को बताना पड़ेगा कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी इशू है। ये काम कांग्रेस कर सकती है। आप लोग में हमारी विचारधारा है, आप में नफरत नहीं है, क्रोध नहीं है, आप रिस्पेक्ट से काम करते हो, लोगों का आदर करते हो, आप में ह्यूमिलिटी है, और आप एक प्रकार से हमारे फुट सोल्जर्स हो, हमारे जनरल्स हो। आप लोगों को कांग्रेस पार्टी का मैसेज लोगों के बीच में पहुंचाना है, आप लोगों को बताना है, लोगों को बताना है कि आपके देश को, हिंदुस्तान को बदला जा रहा है, हिंदुस्तान की जो शक्ति है उसको कमजोर किया जा रहा है, और हिंदुस्तान जो एक साथ चलता है उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। आपके हिंदुस्तान में काफी रिश्तेदार होंगे, आप आते हो हिंदुस्तान, और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि चाहे वो सैम पिट्रोला जी हो, चाहे प्रणीत जी हो, चाहे मैं हूं, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जब भी आप आए दिल्ली आए, मुझसे मिलना चाहे, सैम पिट्रोला जी से मिलना चाहे, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं।
मैं आपसे राजनीतिक रिश्ता नहीं बनाना चाहता हूँ, मुझे राजनीतिक रिश्ता में कोई इंटरेस्ट नहीं। राहुल गांधी, राहुल गांधी, मैं चाहता हूँ। देखिए मैं आया, मैंने अपने परिवार को दिल्ली में छोड़ा, मेरी माँ दिल्ली में है, प्रियंका दिल्ली में, मैं यहाँ आया और एक मुझे नया परिवार मिला। आपने मुझे, मैं दिल्ली में बोला, आपने मुझे वो फीलिंग दी जो फीलिंग सिर्फ परिवार से आ सकती है। तो मैं आपसे राजनीतिक रिश्ता नहीं चाहता हूं, मैं आपसे पारिवारिक रिश्ता चाहता हूं। अगर मैं आपसे एडवाइस चाहता हूं, मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। आपने इतना अपना समय दिया, इसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।